वेलकम आई डियर स्टूडेंट्स, आज के 5 मिनट की फिजिक्स सीरीज में सीखेंगे आईटीजी एडवांस का आए हुए क्वेश्चन, जो कि बहुत बेहतरीन है, लॉजिकल है और कॉन्सेप्चुअल भी है। सो दिस इज सौरभ शर्मा फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ फिजिक्स ग्वालियर। बने रहिएगा हमारे साथ और बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर इस वीडियो को देखिएगा। आपको लॉजिकल क्वेश्चन है तो एक बार आपको ना इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर आपको इस तरह से, जब आप थ्योरी को पढ़ते हैं तो थ्योरी में कई चीजें ऐसी भी आती हैं जो कि हमें डायरेक्टली मेमोराइज करनी होती हैं। तो ये उस तरह से आया हुआ क्वेश्चन था, मेमोरी बेस्ड था, जिसमें डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इसकी खूबसूरती क्या है। सो बहुत कॉन्सेंट्रेट करिएगा। द करेंट कैरिंग वायर, ठीक है, एक मेरे पास करंट कैरिंग वायर है जो हीट करता है एक मेटल की रॉड को। मुझसे क्या बोला, एक मेरे पास करंट कैरिंग वायर था जो कि मेटल की रॉड को हीट करता था, ठीक है भाई। द वायर प्रोवाइड अ कांस्टेंट पावर पी, जो वायर है ये कांस्टेंट पावर पी प्रोवाइड करता है मेरे को। क्या प्रोवाइड करता है, कांस्टेंट पावर पी प्रोवाइड करता है, किसको, रॉड को देता है, ठीक है। कांस्टेंट पावर पी का मीनिंग अगर रॉड को देगा, इसका मीनिंग हीट दे रहा है रॉड को, यानी पावर, यानी कि dQ/dt दे रहा है, dQ/dt रॉड को दे रहा है, ठीक है। आगे क्या बोला, द मेटल रॉड इज एनक्लोज्ड इन एन इंसुलेटेड कंटेनर, जो मेटल की रॉड है वो इंसुलेटेड कंटेनर में है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हीट का लॉस नहीं होगा, जो आप हीट देंगे वो टेम्परेचर को राइज करने में मेनली काम आएगी, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर टी, जो टेम्परेचर टी है मेटल की रॉड का, वो चेंज होता है टाइम के साथ में, वेरी करता है टाइम के साथ में, टाइम पे डिपेंड इस तरह से करता है। जो रिलेशन दिया हुआ है मेरे को, वो रिलेशन ये है, यानी टेम्परेचर का टाइम के साथ में ये रिलेशन है फॉर द मेटल रॉड, T=T0 1+β T^4। आगे ये बोला बीटा कांस्टेंट है, T0 कांस्टेंट टेम्परेचर है, हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल, मेटल की हीट कैपेसिटी मुझसे पूछी गई है। तो मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह से मेरे बेटे, हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल होता क्या है बेसिकली, कैपिटल एस, हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है मेरे बेटे, वो होता है मेरे पास dQ/dt रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मेरे पास होता है। इसकी वैल्यू मुझसे बोल दी गई कांस्टेंट पावर है, यानी मेरे पास S इक्वल्स टू, जो मुझे रिलेशन मिला, S इक्वल्स टू P/dT/dt। चलो अब मेरे को करना क्या है, इसमें जो मेरे को टेम्परेचर की लिमिट दी हुई है, टेम्परेचर का रिलेशन दिया हुआ है, इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। और मैं बहुत ध्यान से अगर इन ऑप्शंस को एक बार देखूं तो किसी भी ऑप्शन में नीचे डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो टाइम नहीं आ रहा है, ना तो न्यूमिनेटर में टाइम आ रहा है ना डिनोमिनेटर में टाइम आ रहा है। इसका मीनिंग मुझे क्या करना होगा, इस एक्सप्रेशन को जो मेरे पास रिलेशन लिखा हुआ है, इसकी टाइम की वैल्यू को मुझे टेम्परेचर के टर्म्स में कैलकुलेट भी करना होगा। चलिए करते हैं इसको। तो इस एक्सप्रेशन को, मेरा जो मेन मोटिव हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बेसिकली सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, इसमें टेम्परेचर को डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, और इस टाइम को कैलकुलेट करना है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। सो आइए करते हैं। आई होप सो आपने क्वेश्चन देख लिया है, मैं इस क्वेश्चन को रब कर देता हूं। मुझे हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है बेटे, चलिए कैलकुलेट करते हैं हीट कैपेसिटी को। तो क्या किया जाए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम तो मैं क्या करूं इसमें, कि ये जो रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है, इस रिलेशन को मैं टाइम को टेम्परेचर के टर्म्स में लेके आ जाऊं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे बेटे T/T0 -1/β/β = T^4। मैं इसको लेके आ गया। चलो अब क्या किया जाए कि भाई इस रिलेशन का जब यूज आएगा तो कर लेंगे, क्योंकि मुझे करना भी रिप्लेस था। आइए अब इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दिया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मेरे पास dT/dt, ऊपर टेम्परेचर है नीचे टाइम है, क्या बचेगा मेरे पास रिलेशन, ये बचेगा मेरे पास मेरे बेटे 1/4 β T0 एंड दिस T^-3/4। सिंपल x^n का फॉर्मूला लगा हुआ है, nxn-1, ये मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना चाहिए, इस वैल्यूज को उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए। सो S इक्वल्स टू, मुझे क्या मिला, S=P/dT/dt की वैल्यू मेरे पास ये लिखी हुई है, तो मेरे पास 4 ऊपर आ जाएगा। दिस रिमेन्स β T0 और T^-3/4 है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, T^3/4 ऊपर क्या हो जाएगा भाई, नोट करूंगा यहाँ T^-3/4, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो T^3/4 हो जाएगा, और T की वैल्यू 1/4 मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर मुझे 3/4 चाहिए तो मैं क्या कर दूं, इधर क्यूब कर दूं दोनों साइड,
अगर मैं क्यूब कर दूंगा सो ये रिक्वायर्ड वैल्यूज का जो मेरे पास क्यूब आएगा, मैं डायरेक्ट इसी वैल्यूज को नोट कर दूं तो मेरे पास वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, मेरे बेटे वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, ये वैल्यू मिलेगी मेरे को ऊपर टी टी माइनस एंड दिस इज टी नॉट का होल क्यूब, टी नॉट का होल क्यूब अपॉन दिस इज बीटा क्यूब, बीटा क्यूब इंटू एंड दिस इज टी नॉट क्यूब। ये मेरे पास बीटा टी नॉट पहले से भी अवेलेबल था तो इसको रब कर दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा बीटा रेस टू दी पावर 4 एंड दिस इज टी नॉट रेस टू दी पावर 4। इट्स द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी। आई ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन देखें 4PTT माइनस टी नॉट की पावर होल क्यूब बीटा 4 टी नॉट क्यूब टी नॉट 4। सो हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। दिस वॉज द क्वाइट इजी क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन IIT JEE एडवांस। सो प्लीज एंजॉय अवर वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज फॉर गेटिंग सच टाइप ऑफ वीडियोज यू मस्ट हैव टू लाइक, इट्स अ ड्यूटी बेटे, यू मस्ट हैव टू लाइक एंड ऑल्सो कमेंट इफ यू वॉन्ट एनी वीडियो फॉर एनी टॉपिक। सो प्लीज इन कमेंट बॉक्स यू टेल मी एंड आई विल मेक डेफिनेटली वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो थैंक यू बच्चों, एंजॉय इट, हैव अ नाइस डे।